शुभोदय बच्चों, नारायण लाइव क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का विषय है उपवन के फूल। क्या है? पाठ में आए नए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाना है। ठीक है, ये चंद शब्द दिया गया है और उसके अर्थ है। ठीक, उपवन आशा, नेह मनोहर, उम्मीद सुंदर, बगीचा प्यार। तो उपवन क्या है? बगीचा। तो इस तरह से अर्थ मिल गया है। आशा, आशा यानी कि उम्मीद। ठीक है बच्चों, और इसके बाद नेह, नेह यानी कि प्यार। तो इस तरह से ये शब्द भी हो गया। मनोहर यानी कि सुंदर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने ये विषय लिया है। बच्चों बच्चों इसी विषय पर हमने पहला बिट किया था, तो उपवन के फूल इसी विषय पर दूसरा बीट है। शब्दों को उनके सही पर्यायवाची शब्द से मिलाना है। ठीक है, और ये उपवन क्या है? ये उपवन यानी कि बाग, बगीचा, ये पर्यायवाची शब्द कहते हैं बच्चों। ठीक है, आशा क्या है? आशा यानी कि उम्मीद और भरोसा है बच्चों। तो इस तरह हमने पर्यायवाची दो शब्दों का किया है। प्रेम क्या है? प्रेम यानी कि स्नेह और प्यार होता है बच्चों। तो ये हो गया आपका पर्यायवाची शब्द। ये क्या है? गंध है। गंध यानी कि सुगंध और महक। इस तरह से हमने ये भी किया है बच्चों। तो इस तरह से आज का विषय समाप्त हुआ है, उपवन के फूल। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।